हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। टुडे विल डिस्कस अबाउट सम इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑफ एंटोमोलॉजी। स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट मॉर्फोलॉजी ऑफ इंसेक्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज कीटो का वक्ष मीन्स थोरस कितने खंडों में बटा होता है, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, तीन खंडों में बटा होता है। सेकंड क्वेश्चन इज डिप्टेरा गण के कीटो के लार्वा को क्या कहते हैं, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, मैगेट है। थर्ड क्वेश्चन इज टिड्डे की निम्फ की किस अवस्था में पंख कलिकाओं के चिन्ह दिखाई देने लगते हैं, इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, तृतीय अवस्था यानी कि थर्ड फेज। फोर्थ क्वेश्चन तितली का लार्वा किसके सहारे लटक कर प्यूपा में बदलता है, तो ये क्रीमिस्टर से अटैच रहता है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन वर्गीकरण विज्ञान के अंतर्गत सबसे बड़ा समूह कौन सा है, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, संघ। सिक्स्थ क्वेश्चन जीवों की वैज्ञानिक नामकरण की दिनाम पद्धति मीन्स बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया, तो ये क्या सही हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, कैरोल्स लिनियस के द्वारा बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया गया। सेवंथ क्वेश्चन इज गण आइसोप्टेरा के अंतर्गत आने वाले कीट हैं, तो इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, दीमक। एट्थ क्वेश्चन इज एफिड निम्नलिखित में से किस गण के अंतर्गत आने वाला कीट है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, हेमिप्टेरा। नाइन्थ क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से किस गण के टिड्डा निम्नलिखित में से किस गण के अंतर्गत आता है, तो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, आर्थोप्टेरा। टेंथ नंबर क्वेश्चन तितली किस गढ़ में आती है, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, लेपिडोप्टेरा। देखिए ये फाइलम से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले, और जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो भी हम आप लोगों को बता देंगे। पहले कुछ क्वेश्चन पर और डिस्कस करते हैं। इलेवंथ क्वेश्चन निम्नलिखित में से डिप्टेरा गढ़ के अंतर्गत आने वाले कीट है, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, घरेलू मक्खी। ट्वेल्थ नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से हाइमेनोप्टेरा गढ़ के अंतर्गत आने वाले कीट हैं, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, मधुमक्खी। 13 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कोलियोप्टेरा गढ़ के अंतर्गत आने वाला कीट है, तो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, बीटल्स। 14 नंबर क्वेश्चन इम्स ने 1961 में कीटों के कितने वर्ग बताए थे, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 29। 15 नंबर क्वेश्चन कद्दू का लाल कीड़ा किस कुल से संबंधित है, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, क्राइसोमिलेडी। 16 नंबर क्वेश्चन जीवधारियों तथा उनके वातावरण के संबंध में अध्ययन को क्या कहते हैं, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, पारिस्थितिकी में इकोलॉजी। 17 नंबर क्वेश्चन गढ़ हेमिप्टेरा के कीटों के मुखांग होते हैं, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, चबाने एवं चूसने वाले। 18 नंबर क्वेश्चन पारिस्थितिकी तंत्र मीन्स इकोसिस्टम का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, एजी टेंसले। 19 नंबर क्वेश्चन वह तंत्र जो पारिस्थितिकी की जैविक तथा अजैविक सभी कारकों के परस्पर संबंध को प्रदर्शित करता है, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, पारिस्थितिकी तंत्र, है ना। तो 20 नंबर क्वेश्चन जब किसी एक जीव विशेष अथवा एक ही जात के सभी जीव के सामूहिक जीवन पर वातावरण का अध्ययन किया जाता है, इसे क्या कहते हैं, तो इसके स्वपरिस्थितिकी कहते हैं, यानी ऑटोइकोलॉजी। 21 नंबर क्वेश्चन किसी एक स्थान पर मिलने वाले समस्त समुदाय और वहाँ के वातावरण के पारिस्थितिकी संबंधों का अध्ययन कहलाता है, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सम पारिस्थितिकी। 22 नंबर क्वेश्चन कीटों का शरीर कितने खंडों में डिवाइड होता है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, तीन खंडों में। 23 नंबर क्वेश्चन कीट शरीर के निम्नलिखित निम्न में से वक्ष के कौन से भाग में पंख अनुपस्थित होते हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रोथोरेक्स। 24 नंबर क्वेश्चन कीट के एंटीनी के मुख्य रूप से कितने भागों में विभाजित किया गया, तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, तीन भागों में। 25 नंबर क्वेश्चन एंटीनी पर आधारी भाग में कौन का आधारी भाग कौन सा होता है जो सिर से जुड़ा होता है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, स्केप। देखिए सभी सब्जेक्ट्स के मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सिलेबस के हिसाब से, ये नहीं कि कुछ भी मिला उठा के डाल दिया, ऐसा नहीं है ना, आपका सिलेबस देख के उसमें जो इम्पॉर्टेंट होता है वो क्वेश्चन सिलेबस के हिसाब से हम वीडियो बनाते हैं, तो आगे मिलते रहेंगे। बाकी सभी लोग आप लोग जुड़े रहिए और हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए, ताकि कुछ वीडियो के लिंक हम सीधा वहीं पर पेस्ट कर देते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी यूट्यूब पर पड़े हुए हैं, तो इसलिए वहाँ से सभी लोग जुड़ जाएँ। 25 नंबर क्वेश्चन एंटीनी का आधारी भाग कौन सा होता है जो कि सिर से जुड़ा था, फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा, स्केप। 26 नंबर क्वेश्चन सुंडाकार प्रकार का एंटीनी निम्नलिखित में से कौन से कीट में पाया जाता है, तो डी ऑप्शन से हो जाएगा, आक्रोच। 27 नंबर क्वेश्चन धागाकार फिलीफार्म प्रकार का एंटीनी निम्नलिखित में से कौन से कीट में पाया जाता है, डी ऑप्शन से हो जाएगा, ग्रास हॉपर। 28 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस प्रकार के एंटीनी दीमक में पाई जाती है ना, तो दीमक में मुक्ताकार एंटीनी पाई जाती है, इसका साइंटिफिक नेम दीमक का ओडोन्टोडर्मस ओबेसस होता है। तो देखिए बाकी आप लोग अगर किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर चाहते हैं कि ऑब्जेक्टिव का वीडियो बनाएं हम, तो उसके लिए आप कमेंट करके बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।